हेलो गाइस, वी आर बैक विद अ न्यू एपिसोड इन प्लेनेट क्राफ्टर। यस, हम्बल डीएलसी में हम लोग फिर से आ चुके हैं और तुम लोगों को दिख ही रहा होगा मेरा बेस। और पिछली बार तुम्हें पता है हम कौन से स्पेसशिप से यहाँ पर आए थे, पर आज यार बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज ना यार मैं बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें क्राफ्ट करने वाला हूँ, जिसमें की सबसे मेन होने वाली है एक ऐसी चीज। इसी के साथ मेरे पास वाटर कलेक्टर आ चुका है क्योंकि रेन स्टार्ट होने वाली है। ओके गाइस, हम नेक्स्ट स्टेज पे आ गए। जस्ट गेम स्टार्ट किया, हम नेक्स्ट स्टेज पे आ गए। मतलब बादल से अब रेन लिक्विड वाटर बनने वाला है भाई, ये तो मजे मजे होने वाले हैं। तो आज जो मैंने एक चीज बनाई थी, आज हम उसे देखेंगे। और आज एक इतनी शानदार चीज हम बनाएंगे जिससे कि यहाँ का टेराफॉर्मेशन इंडेक्स यूं भागेगा भाई, दौड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ देख लेता हूँ ये क्या चीज है। क्राफ्ट देखो गाइस, माय प्यारे से जेट पैक। और ये बनाने के लिए मेरे को एक इरिडियम रॉड चाहिए। इरिडियम के लिए मेरे को इरिडियम चाहिए भाई साहब। मेरे पास इतना इरिडियम है क्या? हाँ, मिला मेरे को। एक तो बना ही लेता हूँ यार, मैं एक बना पाऊंगा तो भी बहुत है यार मेरे लिए अभी। ओके शिट यार, थोड़ा इरिडियम और चाहिए था। ओके मेरे को लग रहा है, आई होप इसके अंदर में कोई इरिडियम मिल जाए। प्लीज दे दो एक इरिडियम। ओ डैम भाई, इरिडियम नहीं है भाई, सीरियसली एक इरिडियम चाहिए मेरे को और वो मेरे को नहीं मिल रहा है। ठीक है यार, होता है कभी कभी ऐसा। कोई नहीं, अभी मैं जाऊंगा एक जगह और वहां से इरिडियम लेके आऊंगा, क्योंकि आज तो तुम्हारा भाई जेट पैक बना के रहेगा। ठीक है ना, आज तुम्हारा भाई जेट पैक बना के ही रहेगा, क्योंकि यार समझ रहे हो ना, जेट पैक अपन को बहुत जरूरत है। और मैं अब नहीं रह सकता हूँ नीचे, मेरे को आसमान में उड़ने की आदत है भाई, मेरे को जेट पैक तो चाहिए। तो एक काम करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और लेके आते हैं बहुत सारा बॉक्साइट, जिससे बनता है इरिडियम, है ना? नहीं, इससे बनता है इरिडियम। और ये मुझे पता है कहाँ मिलता है। चलो फिर, रुकना क्या है, निकलो यहाँ से। पानी वानी है क्या मेरे पास? हाँ है, खाना भी रखा हुआ है। इनफैक्ट जल्दी से निकलते हैं, मेरे को वैसे एक ही इरिडियम चाहिए, इतनी मेहनत करने की जरूरत तो नहीं है मेरे को। अगर एक इरिडियम क्या पता यहीं रखा हो तो मेरे पास जेट पैक तो आ ही जाएगा यार। और जेट पैक 2 भी मेरे को देख लेना चाहिए था यार, उसका सामान भी मैं कलेक्ट करके ले आता। पर ठीक है, अभी मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, यहीं पर चेक कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा तो आज तो एक जेट पैक मैं बना ही लूंगा भाई, मेरे को बहुत टाइम से चाहिए वो जेट पैक। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे को इरिडियम दे दो। नहीं मिलेगा गाइस, इतने आसानी से नहीं मिलेगा इसमें। और देखे नहीं है, शिट। और एक और बच रहा है यहाँ पर, इसमें और चेक कर लेते हैं। प्लीज दे दे इरिडियम, एक इरिडियम चाहिए। ओ भाई इरिडियम, इरिडियम। चलो दो दो आयरन तो मिल गए मुझे यहाँ, प्लीज इरिडियम। गाइस बारिश हो जाएगी तो यहाँ ना पूरा पानी पानी भर जाएगा मेरे को लग रहा है, इसलिए मैंने गाइस हाइट पे ना घर बनाया अपना, तो यहाँ पूरा पानी भर जाएगा ना, फिर मुझे शायद पानी की टेंशन तो नहीं होगी। या फिर मुझे कुछ बनाना रहता है शायद, फिल्टर टाइप का जिससे मैं पानी पी सकता हूँ, वो गले में लगाने का। हाँ ओके, वो भी तो अनलॉक होगा, अभी अभी तो नहीं हुआ है, पर ठीक है जब तक बनेगा तब देखेंगे। अभी तो भाई 1 TI पे पहुँचने वाले हैं हम। कितने पे अभी नहीं हुआ 100 NK। मेरे को गाइस ना हीटर भी लगाने हैं, और वो बड़े वाले हीटर लगाने हैं। मेरे को ना अच्छा वाला इरिडियम चाहिए, बहुत सारा इरिडियम। इरिडियम के लिए अपन को शायद तक और भी लगानी पड़ेगी। ये क्या दिख रहा है यार, यहाँ की बर्फ पिघल गई है, यूरेनियम है यहाँ पर। अपन इसे ले चलते हैं क्योंकि मेरे को अभी इरिडियम चाहिए, यहाँ की बर्फ पिघल चुकी है गाइस। होली शिट भाई, मजा ही आ गया है। पर मेरे को इरिडियम चाहिए तो ये सब ले चलता, यूरेनियम भी ले चलता हूँ। मेरे को लग रहा है यूरेनियम रॉड भी मेरे को बनानी पड़ेगी। बार को देखो, मेरे पास जगह तो काफ़ी कम है। ओके यहाँ वो क्यूब्स का यार यूरेनाइट भी चाहिए मेरे को, वो भी नहीं छोड़ सकता हूँ मैं वो रखे। और यूरेनाइट ये रहे, यहाँ मैं पहले आया हूँ क्या यार? ओके नहीं आया हूँ वहाँ। ओ देखो गाइस, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है, लाइक शायद और मशीन है जो अभी अनलॉक होगी थोड़ी देर में, मतलब जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी। तो अभी मेरे को ऑक्सीजन ले लेना चाहिए, पानी, अरे पानी तो फालतू ले लिया, खाना अभी देखें अपन। अब बाकी ना मैं ये कलेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट इसमें देखा जाए जरा ये। यहाँ भाई, यहाँ तो दोबारा आना पड़ेगा गाइस, यहाँ बहुत सारा सामान है, एक मिनट इसमें और देखें। ओके यहाँ पूरी रॉड है तो अपन रॉड उठाएंगे डायरेक्ट, और क्या उठाऊं मैं, अभी के लिए काफी है मेरे को लग रहा है। अभी मैं दोबारा आऊंगा गाइस यहाँ पर, मेरा बैग ना भर चुका है। ये यहाँ से मैं निकलता हूँ, यहाँ ना मैं टेलीपोर्टर बना दूंगा यार, अगर मेरा जैसे ही टेलीपोर्ट, अभी तो काफी टाइम है अनलॉक होने में, पर वो अनलॉक हो जाएगा ना डायरेक्ट यहाँ टेलीपोर्ट करके आया करेंगे। वैसे तो मेरे घर के ना पीछे ही है ये, मेरे को लग रहा है ये केव वेव खुल जाएगी ना तो क्या पता मुझे डायरेक्ट रास्ता मिल जाए मेरे घर से, हो सकता है यार, क्योंकि मेरे घर के पीछे भी ना एक केव है और वहां से एक रास्ता क्या पता यहाँ के लिए आ रहा हो भाई, मजे ही आ जाएंगे, मजे ही मजे। ठीक है तो सबसे पहले अपन बनाते हैं अपने लिए एक जेट पैक, और उसके लिए मेरे को ये चाहिए। हाँ चेट, मेरे को इरिडियम भी तो बनाना पड़ेगा अभी, मैं तो भूल ही गया था। ये हो गया,
एक काम करता हूँ, मैं यूरेनियम की रॉड बना लेता हूँ, जब तक मेरे पास यूरेनियम रखा है ना, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। ओके, मेरे को एक चीज याद आई, न्यूक्लियर प्लांट भी तो खोल रखा है मैंने। ये देखो T1 न्यूक्लियर प्लांट, और ये मैं इजीली बना सकता हूँ यार। 300 पर अलॉय तो चाहिए। पहले तो इसे बना देते हैं, ये कैसे बनेगा, ये भी मैं बना सकता हूँ। तो पहले इसे बना लेते हैं। अब मेरे पास नहीं है यूरेनियम, ठीक है चलो, 3 रॉड तो आ गई है मेरे पास। गाइज हम लोग 1 MTI पे आ गए, मैं 1 TI बोल रहा था, एक्चुअली 1 million TI होगा ये शायद, मेरे को देखने दो जरा। लाइक हीट हो गई है गाइज, अब पिघलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। देखो 100 NK से ऊपर चली गई है हीट, तो मेरे को लग रहा है अपना पिघलना स्टार्ट हो गया होगा। और इसमें एक बार चेक कर लेता हूँ, बाय चांस 90 सेकंड हुए और कुछ बन गया हो। एक इरिडियम मिल गया, ओहो भाई अब मैं बना सकता हूँ अपनी सामान। ये कहाँ गया, जेट पैक बनाते हैं पहले। सबसे चीज जो मेरे को हमेशा से चाहिए थी वो थी जेट पैक, और मैंने बना लिया। जेट पैक तो नहीं बनाया पर हाँ जेट पैक बनने वाला है। एक रॉकेट बनाते हैं, 2 यूरेनियम। अच्छा रहा मैंने पूरे यूरेनियम खत्म नहीं किया, हुए नहीं मुझसे, वरना मैं तो भाई खत्म हूँ भाई, मैं कर देता खत्म। तो यूरेनियम और एक ये तो बना दो, अब तो रॉकेट, 2 रॉकेट। चेट चेट भाई चेट, चलो एक तो बना ही लेते हैं। अरे यार 2 लगेंगे गाइस उसमें। शेट भाई बारिश स्टार्ट हो गई गाइस, हमारे प्लेनेट की फर्स्ट बारिश स्टार्ट हो गई है। तुम्हें मैं दिखाता हूँ बाहर। ओके हमारे प्लेनेट की फर्स्ट बारिश स्टार्ट हो गई है। अब धीरे धीरे रिवर्स बनना स्टार्ट होगी, पर ये बारिश अभी, बारिश वाला पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद रिवर्स स्टार्ट होगी। तो देख रहे हो गाइस अपने प्लेनेट की पहली बारिश है ये, हम्बल प्लेनेट की पहली बारिश। पर अभी मैं केव में जा रहा हूँ, मेरे को ना बॉक्साइट वगैरह चाहिए। आई होप यहाँ पर मुझे कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए, वैसे पहले भी आया हूँ मैं पर यहाँ कुछ मिलता नहीं है। ये देखो हाँ यहाँ ये पिघला कि नहीं, अभी नहीं पिघला, कब पिघलोगे भाई, कब पिघलोगे, पिघलोगे बोल रहा हूँ, कब पिघलेगा ये। पर यहाँ पीछे एक और केव हुआ करती थी शायद तक, यहाँ देखो यहाँ एक अलग टाइप की हीट तो निकल रही है। ये केव थी आई थिंक, ये भी अभी नहीं पिघलेगी क्या, पिघलना स्टार्ट हो गई है गाइस। और देखो मेरे को यहाँ पर कुछ मिला, ये रख लेते हैं, अभी रख लेता हूँ, अभी तो मैं इनफैक्ट इसे भी तोड़ ही देता हूँ, अभी तो और पिघलेगी गाइस ये, अभी पूरी तरीके से नहीं पिघली है। यहाँ भी ओह जी क्या है, यहाँ पिघलना स्टार्ट हुआ, ये देखो यहाँ रास्ता बन गया एक। ओके ओके कूल, ओ बाय केवी केव्स, इधर क्या है, ओहो ओ भाई मजा आ गया। यहाँ मैं पहले आ चुका हूँ एक्चुअल में, यहाँ मेरे को चीजें मिल सकती हैं शायद तक जो मुझे चाहिए। पर को इधर चेक करें, एक्सप्लोजिव्स अभी नहीं चाहिए मुझे, बाद में चाहिए रहेंगे। यहाँ कितने सारे एक्सप्लोजिव्स पड़े, और भी देखता हूँ मैं भाई, ये तो मजे ही आ गए। ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, इरिडियम तो चाहिए। बॉक्साइड नहीं मिल रहा यार यहाँ, बाकी सब चीज़ें मिल रही है पर बॉक्साइड नहीं मिल रहा भाई। अच्छा है मैं, मतलब सीरियसली आज तो बहुत ही ज़्यादा सही दिन है। तो कहाँ कहाँ के रास्ते खुल रहे हैं मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहे हैं। ठीक है ये रास्ता पहले पैक था, अभी थोड़ा सा नहीं नहीं बंद ही है इधर, ये खुलेगा भी नहीं क्योंकि यहाँ बर्फ नहीं है ना। तो एक और रास्ता जा रहा था पीछे मेरे को, वो भी देखना है। ये खुलेगा गाइस कुछ टाइम बाद, दिख रहा है ना तुम्हें, ये खुलेगा, ये देखो पिघलना स्टार्ट हो गया, ये धीरे धीरे करके ना मेल्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन ले लेते हैं, निकलो यहाँ से। अभी यहाँ से अपन ने कलेक्ट कर लिया है पर अभी भी मेरे को ना इरिडियम तो नहीं मिला है। चलो वापस चलते हैं जिस रास्ते से हम आए थे। और देखो यहाँ की बर्फ पिघलना स्टार्ट हो गई है, देख रहे हो तुम, बूंदे बूंदे गिर रही है, ये ना पिघल रही है भाई। ऐसा लग रहा है ना किसी सांप वाप ने ये केव बनाई हो, मतलब खतरनाक से बड़े से सांप ने। मैं यहाँ से आया था, भूल भुलैया है यार ये, किस लिए भूल भुलैया है ये। देखो ये रास्ता कहाँ जा रहा है, बर्फ, ये बर्फ ही है ना, कैसे ऐसा लग रहा था कोई तो स्टील का मुंह टाइप निकल रहा हो। एक काम करते हैं, आप इरिडियम नहीं बना पा रहे ना, तो पहले एक वो चीज़ बना लेते हैं जिससे मेरा टेराफॉर्मेशन इंडेक्स थोड़ा सा तेज़ भागे, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार जल्दी जल्दी, मतलब ये पूरी बर्फ ना सब कुछ पिघल जाए भाई। तो ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं वो कैसे बनाएंगे, मेरे को ये बनाना है भाई। इसके लिए 3 सुपर अलॉय चाहिए जो मेरे पास हो गए होंगे, आयरन टाइटेनियम भी मेरे को लग रहा है मिल जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है और एक ये बनानी है T3, जिसके लिए बॉक्साइट चाहिए, वो तो अपन लेने बाद में जाएंगे। इनफैक्ट 2 बॉक्साइट चाहिए, तो मैं एक बॉक्साइट और निकाल के रख लेता हूँ, जिससे कि पहले बॉक्साइट बोल रहा हूँ, यूरेनाइट एक और पूरे ही निकाल लेते हैं यार गाइस। ये देखो सुपर अलॉय भी बन गए अपने, और मेरे को इरिडियम भी मिल गया यार शायद, पर पूरा नहीं मिला होगा, पर कुछ तो मिला है मुझे। बार को देखें एक बार, ये और खोल लें ज़रा, मेरे को
ब्लूप्रिंट मिला है, ये है माइक्रोचिप मैप की। ओके तो हमारा मैप भी ओपन हो जाएगा फिर। पहले तो यहाँ से ना इरिडियम उठाता हूँ मैं और ये उठाता हूँ। ठीक है इरिडियम अपन यहाँ भरते हैं, मेरे को जैसे ही नौ इरिडियम हो जाएगा ना मेरा काम हो जाएगा गाइस। तो ये रहा इरिडियम और अब मेरे को चाहिए सुपर अलॉय, और सुपर अलॉय मुझे यहाँ दिख नहीं रहे। सुपर अलॉय कहाँ है, मैंने एक रखा था, एक ये रहा और एक नीचे है। ओके तो हम लोगों ने बना लिया। अभी मेरे को बहुत सारे रॉकेट चाहिए रहेंगे, पर पहले तो जेट पैक ही बनाएंगे अपन। आयरन, यस आई नीड आयरन, ये रहा आयरन, एक दो तीन, चलो अब बनने। ओके एक टाइटेनियम चाहिए। अभी चलते हैं और एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं फटाक से। इधर से घर लेके आऊँगा मैं। मैं सोच रहा हूँ इस कॉर्नर में एक प्लेटफॉर्म बना दूँ। देखो ये तो कनेक्ट नहीं हो रहा है, अरे ये कनेक्ट ही नहीं होगा, ये थोड़ा सा अलग ही रखा होगा ऐसे। अभी ठीक है भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर है। अभी मैं देखूँ जरा पहली फ्लाइट उड़ाने के लिए मेरे को क्या कैसा लगेगा, एक बार को चेक करके तो आते हैं। तो मेरे पास है अभी ये वाली जो कि हीट बढ़ाएगी, और किसको एस्ट्रॉइड्स बोनस, किस ग्लोबल हीट एंड जनरेट बोनस। पर ये कुछ यूरेनियम ये चाहिए मेरे को, इरिडियम चाहिए, तो ये मैं बना सकता हूँ। मेरे पास एक रॉकेट तो है, अगर मैं इरिडियम गिरा दूंगा तो इरिडियम कलेक्ट कर, ओ भाई ये मैं बना सकता हूँ, फिर रॉकेट दोबारा बना सकता हूँ मैं। तो मेरे को दो सुपर एलॉय चाहिए, सिलिकॉन चाहिए दो, और रॉकेट चाहिए। मैं बना देता हूँ गाइस, एक तो उड़ा ही देते हैं। ठीक है यार कुछ टाइम और अपन जेट पैक के बिना जी लेंगे। तो मेरे को दो सुपर एलॉय चाहिए, एक मिनट पानी पी रहा था पहले। दो सुपर एलॉय चाहिए, एक रॉकेट चाहिए, और दो और कुछ भी चाहिए था मैंने देखा नहीं। दो सुपर अलॉय क्या है, दो सिलिकॉन आई थिंक। अरे यार मैं भी तो इतना भुलक्कड़ हूँ ना क्या ही बताऊँ। दो सुपर अलॉय, ओह शिट आई डोंट हैव एनी सुपर अलॉय, फक। कोई नहीं गाइस हम लोग निकलते हैं अभी एक्सप्लोर करने। ठीक है अभी मैं खाना खा लेता हूँ यहाँ से, मेरा खाना मेरा डन, और अब मैं निकलने वाला हूँ एक्सप्लोर करने। ठीक है ये सब मैं डाल रहा हूँ दोबारा, क्योंकि मेरे को चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी, लाइक इरिडियम लेके आना है मुझे, उसके बाद देखते हैं बाकी का काम अपन। गाइस मैं यूं गया और यूं आया इरिडियम और बॉक्साइट लेके। इरिडियम या बॉक्साइट दोनों से कुछ भी मिल जाए काम चल जाएगा। बॉक्साइट से भी आई थिंक इरिडियम बन जाता है शायद तक। क्या जगमगा रहा है यार, येल्लो येल्लो दिख रहा है पूरा। तो निकलते हैं यहाँ से, बॉक्साइट अब मिलना स्टार्ट हो जाना चाहिए वैसे। आगे वो येल्लो वाले पार्ट में मेरे को जाना पड़ेगा शायद। वो आए केव है क्या, पता नहीं ऐसा लगा, मैं गया तो हूँ यार वहाँ, पर मैं इधर नहीं गया हूँ ये येल्लो वाली जगह पे। आ जाऊँ, ओके सल्फर मिल गया, बहुत ज़रूरत थी इसकी। जेट पैक सेकेंड नंबर का बनाएंगे ना सल्फर से, और एक्सट्रैक्टर लगाना पड़ेगा यार गाइस। रुको मेरे को देखना पड़ेगा और एक्सट्रैक्टर कितने का है भाई, ये कहाँ है और एक्सट्रैक्टर, ये रहा दो ऑस्मियम, ये सब मेरे को बनाना पड़ेगा गाइस, ये सब तो बनाना पड़ेगा भाई। आयरन तो मिल गया पर अभी सल्फर नहीं चाहिए, अभी चाहिए मेरे को इरिडियम और बॉक्साइट। तो देखें ज़रा ये मिल गया इरिडियम, सल्फर गाइस मिल गया, पर सल्फर जितनी मेरे को ज़रूरत है उतनी तो मैंने उठा लिया है यहाँ पर। और क्या है ये सल्फर, ये भाई यहाँ तो भर भर के सल्फर है, नाइस भाई। अब मेरे को पता चल गया कहाँ ये येल्लो येल्लो पार्ट में सल्फर मिल रहा है, भयंकर अथाह में सल्फर, आई लव इट यार आई लव इट। और मेरे को और मन कर रहा है येल्लो येल्लो में जाने का, शायद मैं मर भी जाऊं पर मेरा मन है मैं जाऊंगा। ओ भाई क्या क्या जगह है, मैं जो चीज़ ढूंढने आया था वो तो ढूंढ भी नहीं रहा हूँ। भाई पर कितना सही लग रहा है यार ये, बिल्कुल रियल में तो अगर मैंने सूट नहीं पहना होता ना तो डेड बॉडी मिलती तो मैं मेरी यहाँ पर। देखो मैं कहीं आया और कुछ मिला मेरे को, यहाँ एक मैसेज है, टेराफॉर्मेशन टास्क मूव एंड अनलोड स्टार फॉर्म रोबोट टेक्नोलॉजी अपॉन और अराइवल, लास्ट स्टेटस अनआइडेंटिफाइड फॉग सीम्स टू स्लो अस डाउन एंड ब्रेकिंग आर पार्ट्स। ओके किसी फॉग की बात कर रहे हैं जिसमें मैं अभी हूँ, ये ले लेते हैं अपन। भाई ये मशीन तो गजब दिख रही है, देखो ये रोबोट्स भेजे थे भाई। शिट क्या चीज़ें मिली है मेरे को, रुक जाओ अभी देखो ये चाहिए मेरे को। गाइस यहाँ दोबारा आएंगे, इतने में काम नहीं चलने वाला है, ये रखते हैं। और क्या चाहिए और क्या चाहिए, जल्दी से उठा लेते हैं, लाइक खाली तो कुछ नहीं छोड़ने वाला हूँ, लिरमा उठाता हूँ। क्या
घर पे उगाने के लिए लाइक जो 300 है ये उठा लेते हैं, ये ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, 150 वाले नहीं ले रहे हैं, 300 वाले ले। तो हो गया गाइस, अभी ना वापस निकलने का वक्त आ गया है, मैं दोबारा आऊँगा। और मेरा जाने का मन तो नहीं कर रहा है पर मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से भाई। ओ यहाँ से मैं आया हूँ गाइस, यहाँ से मैं आया हूँ, यहाँ से मैं लेफ्ट चला गया था एक्चुअल में, ये राइट है ठीक है। ये देखो वहाँ एक स्पेसशिप है जहाँ मैं गया था, वो दिख रहा है तुम्हें, वहाँ मैं जा चुका हूँ। और उसके आगे एक और स्पेसशिप है, शायद वहाँ नहीं गया हूँ मैं, अगली बार चले जाऊँगा। अभी तो डाई घर चलना है क्योंकि अभी मेरे पास सारा सामान कलेक्ट हो चुका है जो जो मेरे को ज़रूरत है बनाने के लिए। अभी अपनी चीज़ें लाइक जैसे कि रॉकेट इंजन मेरे को बनाने हैं, वो मैं बना सकता हूँ, इनफैक्ट दो बना सकता हूँ, तो मेरा जेट पैक तो तैयार हो ही जाएगा। और तीन तो नहीं बना पाऊंगा पर ठीक है, शायद बॉक्साइट से मेरे को मिल जाए। धीरे धीरे ये केव्स भी पिघलने लगी हैं तो यहाँ भी अपन को काफ़ी चीज़ मिलने वाली है। तो मैं पता है ना भाई, इधर बहुत तगड़ी चीज़ें मिलने वाली हैं। मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर और हीट वेव्स भी ख़त्म हो चुकी है। अभी मेरे को जल्दी से ना अपने लिए एक जेट पैक बनाना है, बिल्कुल वेट नहीं करने वाला हूँ, मेरे को जेट पैक तो बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पर मेरे को जेट पैक बनाने के लिए सिर्फ दो यूरेनियम चाहिए, वो मेरे पास हैं, इसमें रखे हैं, ये रहे यूरेनियम, ये डाल दो अभी, यूरेनियम उठाओ, एक दो। अब कोई नहीं रोक सकता मेरे को जेट पैक बनाने से। यस ये बन गया मेरे, एक रॉकेट इसमें रखा, मेरी फट गई थी भाई, एक रॉकेट मेरे पास रखा हुआ है, ये रहा। और मेरे को बस एक टाइटेनियम चाहिए, और टाइटेनियम तो मैं पता ही है रद्दी के भाव यहीं पड़े रहते हैं भाई। डन, अब तो कोई नहीं रोक सकता भाई। मेरे को दूसरा भी देख लेना चाहिए था, दूसरे में क्या लगेगा, रॉकेट इंजन तो नहीं लगना चाहिए क्योंकि दो रॉकेट चाहिए रहते हैं जेट पैक को उड़ाने के लिए, दो रॉकेट तो हैं अपने पास, तो वो तो नहीं लगना चाहिए, पर देखते हैं अपन। पहले तो ये बनाते हैं, डन फाइनली भाई फाइनली। और क्या है ये बनाने को, क्या चाहिए, सुपर अलॉय, सल्फर, एल्यूमिनियम, ऑस्मियम, फाइनली भाई डन हो गया सीन, डन हो गया। अभी जल्दी से एक ब्लूप्रिंट भी छोड़ते हैं, फिर उड़ के देखेंगे। ये बर्बाद चीज मिली है, ठीक है अब देखते हैं और क्या बना सकता हूँ मैं, जैसे कि ये T4 ओ, तीन सुपर अलॉय चाहिए, किट में सुपर अलॉय लाया था क्या, और शिट यार मेरे को सुपर अलॉय की खेती करनी पड़ेगी भाई। T3 एक्सट्रैक्टर और लगा देते हैं अपन, तो थोड़ी जल्दी और काम होगा। आई होप यार, काश मेरे को यार ओर माइनर बनाना ही पड़ेगा गाइस, उसके बिना अपना काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर बचा हुआ ये T3, ओ भाई ये तो काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ा सा अलग और इधर लगाना पड़ेगा मुझे। ओ इसी के साथ बिजली हमारी बंद हो चुकी है, और मेरे को अब वक्त आ चुका है न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का, जिसके लिए गलत है भाई, नहीं हो पाएगा ये भी। मेरे को इसके लिए चाहिए सुपर अलॉय तीन और यूरेनियम रॉड चाहिए, थोड़ा सा बनाना है यार गाइस मेरे को। एक सोलर प्लांट भी लगा दूंगा ना तो मेरा काम हो जाएगा। एक बार चेक करूं मैं कैसे लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ यार मैं, एक सोलर प्लांट लगा देता हूँ। और क्या चाहिए, अभी के लिए एक लगा देता हूँ, बाद में देखेंगे। आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एक सोलर प्लांट में लगा देते हैं अपन। बस आ गई बिजली दोबारा वापस, और अब मेरे को यार जाना पड़ेगा कुछ और चीज़, और चीज़ें देख लेता हूँ। लाइक आज जितनी चीज़ें बन रही है ना वो तो बना ही देता हूँ, एक्सप्लोरेशन पे तो अपन चले जाएंगे। बाकी यहाँ से प्लेनेट मूव कर रहा है क्या, ये पता ही नहीं चलता है। और देखो नीचे अंधेरा हो रखा है, सही है भाई, ठीक है। तो अभी मैं और चीज़ें देख लेता हूँ इसमें और क्या बना सकता हूँ। ये T4 तो अपन बना नहीं सकते अभी, ये भी नहीं बना सकते, इन सब के लिए सुपर अलॉय की बारिश करानी पड़ेगी। मैं बना सकता हूँ अभी के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट भी नहीं बना सकते ऑब्वियसली, फिर से ओके एक मिनट मैं सुपर अलॉय बना सकता हूँ। इसके लिए मुझे आयरन चाहिए बस सबसे ज़्यादा, ठीक है। टाइटेनियम तो मैं फिर भी ले आऊँगा, आयरन मिल जाए अगर, लाइक टाइटेनियम है दो, आयरन है दो, ये चाहिए दो, ये चाहिए दो, अभी देखें दो तो बनी जाएंगे फिर। एक मिनट देखने देना, ओके। और एल्यूमिनियम चाहिए एक, ओके गाइस ये भी हमने बना लिया है। और मैं क्यों बना रहा हूँ ये, क्योंकि मेरे को बनाना है ये T4 ऑक्सीजन, उसके बाद ना मैं ज़्यादा देर तक सांस ले पाऊँगा। मेरे को एक आयरन और चाहिए, सब कुछ एक एक चाहिए, ये एक एक दो चार हो गए ये। अब कोई दिक्कत नहीं है, बस ऑक्सीजन बना लेते हैं जल्दी से, ये रहा। इसके लिए बस एक कोबाल्ट चाहिए, यहाँ कहीं पड़ा होना चाहिए, कोबाल्ट तो होगा, तब मुझे लग रहा है कोबाल्ट तो मेरे को मिल जाएगा।
ये मैं बना सकता हूँ यार गाइस, इसमें बस एक एल्यूमिनियम टाइटेनियम चाहिए और इडियम रॉड चाहिए है ना। और मेरे पास कौन सा बन चुका है अभी तक, T3 बन चुका है, पर मेरे को ये भी तो बनाना है यार, T4 ये भी तो बनाना है। ओर एक्सट्रैक्टर ज़्यादा ज़रूरी है यार अभी, सही बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ओर एक्सट्रैक्टर 1 2 3 4 9 ये हो गए, 1 2 4 8 ही हुए, नहीं 9 हो तो गए। लेट्स गो यार गाइस, मुझे लग रहा है ओर एक्सट्रैक्टर ना ज़रूरी रहेगा। मैं ये तो बाद में भी बना सकता हूँ यार अपने लिए, पर ओर एक्सट्रैक्टर मेरे को ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। इसके लिए एल्यूमिनियम टाइटेनियम 2 ऑस्मियम, मेरा 2 ऑस्मियम, टाइटेनियम तो मिल नहीं रहा, एल्यूमिनियम मिल गया, टाइटेनियम और चाहिए। यहाँ लगा दूँ क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है पानी बढ़ जाएगा यहाँ थोड़ा सा। एक काम करूँगा, पानी भरेगा ना तो उठा लूँगा मैं, देखता। ओह शिट, दी चली गई भाई। 407 चाहिए क्या, मतलब 432, मेरे को चाहिए लगभग 28, और यहाँ पर कितनी देता है ये, 19। अकेले से काम नहीं चलेगा गाइस, मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और उसके लिए मेरे को सुपर अलॉय बनाना ही पड़ेगा, और सुपर अलॉय बनाने के लिए मेरे को एल्यूमिनियम चाहिए ही चाहिए। एक काम करता हूँ मैं, तुम यहाँ पर रुको गाइस, मैं 1 मिनट में एल्यूमिनियम लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एल्यूमिनियम कहाँ मिले। ओके गाइस, मेरे को एल्यूमिनियम मिल चुका है, पर यार मैं एक आध एल्यूमिनियम और ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ना और बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है बॉक्साइट और एल्यूमिनियम वगैरह मिल जाएंगे मेरे को। एक बार को यहाँ जाता हूँ, इसमें मैंने बनाया था क्या कुछ, हाँ पर यहाँ कोबाल्ट ही है, रख लेते हैं अभी के लिए क्योंकि जगह खाली है मेरे पास। भाई ये देखो जेट पैक आ गया ना, मेरे को घूमना इतना आसान हो गया, क्या ही बताऊँ मैं। यहाँ पर बॉक्साइट और एल्यूमिनियम मेरे को मिल जाएंगे, क्योंकि मैं पहले भी आ चुका हूँ और मैंने उठाए नहीं थे। ओह सुपर अलॉय रखा है भाई, सीधा सीधा सुपर अलॉय मिल गया मेरे को एक बार को। ओके ओके गाइस, जियोलाइट आने लगे तो मैं दिखाता हूँ, मैं रुक जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, रुको एल्यूमिनियम उठा लेते हैं। जियोलाइट आ गया भाई, जियोलाइट आ गया, ये देखो इसके पास ऑफलाइन। हाँ अभी मैं पढ़ नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि पूरी सिस्टम ही ऑफलाइन हो रखा है। जल्दी से एक जियोलाइट दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये रहा, ये देखो भाई। अच्छा अब समझ में आया स्ट्रक्चर क्या बने हुए थे भाई साहब, जियोलाइट आ गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है अपन को। और भी जो चीज़ें नहीं बन रही थी ना, वो भी बना लूँगा मैं, अब तो बिल्कुल सीन ही नहीं है कुछ भी। तो अभी जल्दी से पहुँचता हूँ फटैक से अपने बेस पे। गाइस देखो उड़ने की मदद से भाई ये फ़ायदा रहता है, लाइक कितना जल्दी ट्रैवल कर पा रहा हूँ मैं, कितना ज़्यादा जल्दी ट्रैवल कर पा रहा हूँ अभी ना गाइस। मेरे को बहुत सारे सुपर अलॉय कलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को यार स्पेसशिप उड़ाना है और उससे आएगा इरिडियम और उससे बनेंगे इरिडियम रॉड। स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरत पड़ती है इरिडियम की, बाद में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब नई ओवर एक्सट्रैक्टर्स आ जाएंगे ना T2 T3, तब बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अभी तो चलते हैं अपन अंदर, और ये बनाना है मुझे सुपर अलॉय को। पहले मेरे को देखने दो क्या क्या चाहिए इसके लिए। बस एक यूरेनियम रॉड चाहिए, ये रही जो कि, और अभी ना 1 2 आयरन और चाहिए। पहले तो एक बेस सेटअप करने वाला हूँ पीछे, इतने ही काफ़ी हैं, क्योंकि बाद में ना नया वाला आ जाएगा ना, एक प्लाज्मा वाला, वो तो बहुत ही शानदार है गाइस। अभी लाइट आने वाली है जोर शोर से, क्योंकि अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट देता है काफ़ी ज़्यादा बिजली, जो कि तुम्हें दिख जाएगा 86। अभी ये करते हैं सेट यहाँ, और वी आर बैक ऑनलाइन यार गाइस, हम लोग दोबारा आ चुके हैं ऑनलाइन, और पानी भी है मेरे पास, कोबाल्ट बचा है अभी इसके लिए। तो थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं, पहले तो एक ऑक्सीजन बना लेते हैं अपने लिए, वरना अभी मैं थोड़े से और ये बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे को सिलिकॉन चाहिए, टाइटेनियम चाहिए। एक सिलिकॉन है मेरे पास, 2 सिलिकॉन है, और 2 ये हैं, 2 आयरन चाहिए, 2 मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीशियम ये हो गया, 1 आयरन और चाहिए, तो 2 टाइटेनियम और 1 आयरन चाहिए बस, 2 टाइटेनियम और 1 आयरन गिरा। लेट्स गो, अभी 2 चीज़ें और बनने वाली है मेरे सुपर अलॉय, उसके बाद अब फ्री हो जाएंगे। जल्दी से अच्छे बजाए डीकंस्ट्रक्शन की 2nd नंबर वाली, फिर मेरे पास बहुत सारे सर्किट बोर्ड जाएंगे जो आगे हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। वैसे अभी ज़रूरत भी नहीं है तो चिप की इतनी दिक्कत भी नहीं है, पर मैं नई जगह पर एक्सप्लोर कर पाऊँगा जहाँ मैं नहीं जा पा रहा हूँ। हो गया, ओ ये एक काम करते हैं, एक ऑक्सीजन और बना ही लेता हूँ। डन गाइस डन, अभी मेरा यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, लाइक ये मैं बना चुका हूँ, पानी का मैं बना लूँगा अभी के लिए, ज़्यादा चीज़ तो नहीं चाहिए, बना सकता हूँ अभी भी, पर ठीक है देखेंगे। अभी के लिए फूड ग्रोअर बन चुका है, ये सब मेरे बन गए हैं। T3 अभी तक मैंने नहीं बनाया है, तो ये भी बनाना है। इसके लिए ईडीएम की बारिश कराना बहुत ज़रूरी है, और अभी तक मैंने ये भी नहीं बनाया है, इसके लिए एल्यूमिनियम चाहिए,
ओके गॉट इट। ये नीचे का तो कोई काम का ही नहीं है अभी अपना, ये कंपार्टमेंट बाद में बनाएंगे, सुपर अलॉय ख़त्म नहीं करने अभी हमको। तो अभी मेरे को सिर्फ बनानी है एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर मेरे को एक चीज़ और चेक करनी है। लाइक मेरे पास एक चिप है, ये माइक्रो चिप है, एक स्क्रीन देखना है मेरे को एक्चुअल में। यहाँ पर एक स्क्रीन आई होगी, ये है मैपिंग की स्क्रीन, तो ये मैपिंग की और ये मेल की है। मेल की स्क्रीन भी चेक करनी चाहिए मुझे, क्या पता मुझे कोई मेल आया हो सकता है ना, छोड़ो बाद में देखेंगे। तो अभी एक काम करते हैं, मेरे को बनाना है अभी जो फोकस करना है ना वो है एक इरिडियम के रॉकेट को उड़ाने पे। तो एक रॉकेट उड़ाना है मेरे को इरिडियम वाला, ये तो मेरे को एक इसके लिए बनाना पड़ेगा रॉकेट इंजन। यार मेरे को इरिडियम तो बहुत चाहिए। छोड़ो गाइस अभी बाद में देखेंगे, अभी अब एक्सप्लोर करने ही मेरे को जाना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन ये चीज़ें बना पाएंगे। यहाँ कुछ बना है क्या? नहीं, काम की चीज़ तो नहीं बन रही है। ओ ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दे रहा है भाई, ये तो बहुत सही है। ये ले लेते हैं एक मैग्नीशियम ले लेते हैं, और इनफैक्ट दो ले लेते हैं, ये दो मैग्नीशियम ले लेते हैं, दो आयरन ले लेते हैं, दो सिलिका ले लेते हैं, और एक और चीज़ बच रही है जिससे ये बन जाएगा। एक दो कोबाल्ट ले लेते हैं। मेरे को कोबाल्ट दिखते क्यों नहीं है भाई, कलर ब्लाइंडनेस है क्या मेरे को? ओके गाइस तो ये हो चुका है, एक और कोबाल्ट चाहिए। ऐसे ही घूमता फिरता रहूँगा मैं, और इसी के साथ अपना T4 बन जाएगा भाई, फिर मैं बहुत देर तक सांस ले पाऊँगा ना। 370 यस, आई थिंक T5 तक रहता है। तो बैकपैक और चाहिए मेरे को अभी, इसके लिए भी और एल्यूमिनियम चाहिए, तो वो तो हम अभी नहीं बना पाएंगे। मैं सारा सामान यहाँ रख देता हूँ, और नई जगह और एक्सट्रैक्टर मैंने लगा तो दिया है वैसे नीचे, उसके लिए मेरे को और सुपर अलॉय तो चाहिए, पर मेरे पास एल्यूमिनियम नहीं है गाइस। एल्यूमिनियम अगर मेरे को मिलता है ना तो बहुत फ़ायदा है। काम करते हैं, मेरे पास ना कुछ चीज़ें हैं जो मैं बना सकता हूँ, ये मैं बना सकता हूँ। T2 चॉर्च ये मेरे को चाहिए, क्योंकि अपन अंदर जाएंगे, अब शिप में जाना है मेरे को आज। एक एल्यूमिनियम किस्मत से मैंने बचा लिया, पता नहीं क्या सोच के मैंने बचा लिया। ये रहा एल्यूमिनियम, और क्या चाहिए था टॉर्च बनाने के लिए? मैग्नीशियम और सल्फर, मैग्नीशियम और सल्फर, आइस। एक और टॉर्च मैंने बना ली, इसी के साथ भाई अपनी टॉर्च हो चुकी है अपग्रेड। ये माइनिंग हो गई है, T2 माइनिंग मैं बना सकता हूँ, बस एक सिलिकन चाहिए। तो अभी सब कुछ बनाता जाता हूँ यार, जो जो बन रहा है, और ऊपर ही रखा था। डन गाइस, ठीक है गाइस, तो यहाँ से निकलते हैं फटैक से, खाना खाते हैं, और एक बार वो शिप में चलते हैं जहाँ मेरे को जाना था। लेट्स गो। बीकन मैंने अभी भी नहीं लगाया है, हमेशा की तरह मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर है, क्या ही बताऊँ मैं। ले कलेक्टर नहीं बन जाता क्या अगर इतनी अच्छी होती तो? चलो भाई 370 ऑक्सीजन ले लिया है, और अभी अपने पास सब कुछ है, अब चलते हैं अंदर। एक नंबर, अभी जलाएंगे टॉर्च, एक नंबर भाई। टॉर्च की रोशनी बढ़ गई है अपनी, तो इस डायरेक्शन में गया था मैं पहले, ये सामने नहीं गया था। ओके पहले सामने देखते हैं फिर आगे का देखेंगे। खुल जा सिम, ये देखो यहाँ ब्लू प्रिंट मिला मेरे को हाथे से की। ब्लू प्रिंट नहीं, यहाँ सर्किट बोर्ड है, ये चाहिए, ये मैं अभी नहीं चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए अभी। तो जो चीज़ें अभी चाहिए ना गाइस हम वही उठा रहे हैं, ठीक है ना। ओहो यहाँ मिला एक और सर्किट बोर्ड, ये बाद में काम आएंगे बहुत। ये ओके प्लेजर मिल गए भाई, यही तो चाहिए था। इससे ना जो बिजली पैदा होती है बहुत अलग, नेक्स्ट लेवल बिजली पैदा होती है उस। तो अभी और कुछ नहीं चाहिए, कैसे काला काला सा कुछ दिखा यार यहाँ, क्या पता क्या था। चलो इतनी चीज़ तो मेरे को मिल गई है, सर क्या? ओ ये चाहिए मेरे को, मेरा बैग बहुत जल्दी बढ़ जा रहा है भाई, बहुत जल्दी। सर मैं जा चुका हूँ, ये तो पूरा अपने एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ पर इरिडियम होगा तो मैं उठा। ओके भाई जाओ जाओ बैठाओ जाओ, नाइस। अब निकलते गाइस घर पे, फिर दोबारा आ जाएंगे। पहले एक बार यार ये यहाँ पर भी मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को सेट कर लेना चाहिए। कितने में बन रहा है एक बार देखूँ ज़रा, 3 एल्यूमिनियम में बन रहा है ना। अगर मेरे को एक एल्यूमिनियम और कहीं से मिल जाए, बाई चांस कहीं से मेरे को एक एल्यूमिनियम और मिल जाए, बाई चांस सुन रहे हो कोई, मेरे को एक एल्यूमिनियम दे दो अगर तुम लोग, तो तुम लोगों का भला हो जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा भला हो जाएगा। एक एल्यूमिनियम दे दो मुझे बस, तुम नहीं दोगे कमीनों, मुझे पता है में भी कुछ नहीं है। एक और था यार, हाँ दोनों लूट लिया था मैंने। एक एल्यूमिनियम दे दो भाई, एक एल्यूमिनियम लोगों का भला हो जाएगा, गंदा वाला भला। एक एल्यूमिनियम, अरे नहीं जब चाहिए रहता है तब तो नहीं मिलता है ना भाई, ये तो मतलब रीत है भाई, ये तो रीत है।
चलो निकलो यहाँ से बाहर फिर, मेरे को घर जाना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो गाइस, आज तो घर जाना ही पड़ेगा। अगली बार यहाँ वेजी ट्यूब वगैरह मैं लगा दूंगा, बाकी यार मेरे को घर जाना ही पड़ेगा यार। मेरे को यार वो रॉड बनानी है और उससे रॉकेट बनाना है, और एक रॉकेट तो आज उड़ा के ही रहूँगा मैं। टू एम टी आई पे आने वाला हूँ, मजाक नहीं है भाई, 2 MTI पे। तो जल्दी से यहाँ पर ऊपर पहुँचते हैं और जाके ना पहले तो एक रॉकेट उड़ाता हूँ भाई। अरे यार गाओ जरा, 1 2 3 4 5 आयरन है, ठीक है, हो गया काम, हो गया काम, रॉकेट इंजन अब बना सकते हैं हम, ये हो गया। और इसको बनाने के लिए बस एक इरिडियम रॉड चाहिए, जो अभी मैंने बनाई है, जस्ट ये रही। लेट्स गो भाई, पहली इरिडियम रॉड अपनी बन चुकी है। अब ये मत बोलना सुपर अलॉय भी चाहिए होता है, पर देख के आने दो मेरे को। अरे हटो, ये चाहिए। ओ शिट, 2 सुपर अलॉय है, सब में चाहिए क्या 2 सुपर अलॉय? T1 सैटेलाइट, GPS सैटेलाइट, मैट फॉर इंफॉर्मेशन। फक मैन फक, हीट बढ़ा दूं क्या? पर 2 सुपर अलॉय तो सबके लिए चाहिए, पर और देखने दो। सिलिका चाहिए, सिलिका से गिरता है इरिडियम और कोबाल्ट से गिरता है यूरेनियम। मेरे को अभी इरिडियम की ज्यादा जरूरत है, तो मेरे को 2 सुपर अलॉय चाहिए। ओके गाइस, कोई बात नहीं, आज मैंने काफी सारी चीजें तो बना ली है, पर हम केव नहीं ढूंढ पाए। एक जगह है जहाँ सुपर अलॉय मिलता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। अगर तुम लोगों को याद हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मेरे वीडियोज में है वो कहीं पर, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा है, पर ठीक है मैं जाके एक्सप्लोर करूंगा। एक बीकन बनाना है मेरे को, है ना, आज बनाई देता हूँ, एल्यूमिनियम सिलिकॉन टाइटन। जो बीकन ही बनाना रह गया था वो अपन कंप्लीट कर देते हैं आज के दिन। ये लो भाई बीकन अपना बन गया है, यही है ना, एरिया लैम्प नहीं, ये लो भाई बीकन आज खड़ा हो ही गया। अब तो भाई ये दूर से दिख जाएगा हमारा बेस कहाँ पर है, ठीक है, ये हमने कर दिया है। अब मेरे को बस ये बनाना है, पर ये अभी बाद में बनाएंगे। ये बनाना है मेरे को कम्युनिकेशन एंटीना, ये बनाने के लिए मुझे टीकन, टाइटेनियम, आयरन और एल्यूमिनियम चाहिए। एल्यूमिनियम मेरे पास बचा है, अब नहीं बचा होगा यार, जैसे कि मुझे पता था अब नहीं बचा है। तो अगली बार मैं जाऊंगा यार ये सब मैं ना दोबारा कलेक्ट करके लाऊंगा। इनफैक्ट मैं ऑफलाइन स्ट्रीम में ना ये सब कलेक्ट करके रख लूंगा, और फिर हम वापस सारी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे और एक रॉकेट उड़ाएंगे। तो प्लीज़ इस एपिसोड को प्लीज़ आई रिक्वेस्ट लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं डायरेक्ट अगले एपिसोड में, बाय बाय।